कालचा नगर में प्राचीन समय से प्रभात फेरी निकाली जाती थी और स्थानीय श्री राम मंदिर पुजारी विष्णुदास जी महंत द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती थी जो लगभग 50 सालों से बंद हो गई थी। फिर प्रभात फेरी को पुनः 2 अप्रैल 2022 हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा से श्री रामकृष्ण प्रभात मंडली द्वारा शुरू किया गया। प्रारंभ होने के बाद से प्रत्येक दिन नालचा नगर में प्रातः 5 बजे श्री राम मंदिर में भगवान राम जी की स्तुति से प्रभात फेरी शुरू की जाती है। वहां से प्रभात फेरी गांव कोट होती हुई ग्वाल मोहल्ला से कृष्ण मंदिर होती हुई आजाद मार्ग से नरसिंह मंदिर बस स्टैंड होते हुए पुनः श्री राम मंदिर पहुंचती है। वहां आरती के बाद प्रभात फेरी का समापन किया जाता है। प्रभात फेरी की शुरुआत रामकृष्ण प्रभात मंडी सदस्य महेश कुमार महंत, दिलीप यादव, नंदकिशोर राठौर अन्य सदस्यों द्वारा की गई। शुरुआत के बाद नगर से मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। गाँव की परंपरा पिछले हम छोटे छोटे थे जब प्रभात फेरी निकलती थी हमारे गाँव में, हमारे बड़े बुजुर्ग निकालते थे। उसके बाद में हम 2-4-5 व्यक्तियों ने ऐसा विचार करा कि उस परंपरा को अपन फिर से चालू करें। तो हमने 2 अप्रैल 2022 गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष से हमने प्रभात फेरी प्रारंभ करी है 2-4-5 व्यक्तियों ने मिलके। और उसके बाद में सब जुड़ते गए तो आज हम कम से कम 25-30 लोग इकट्ठे हो गए और प्रभात फेरी हमारी इस प्रकार से चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप यादव, नालचा। हमारे गांव में पहले प्रभात फेरी पुराने टाइम से निकलती आई है पर कुछ समय के मतलब बंद हो चुकी थी, लेकिन इसे पुनः 9 वर्ष से प्रारंभ किया गया है। पहले कुछ लोग इससे जुड़े हैं करीबन 5 से 6, परंतु अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 25 से 30 हो गई है। सुबह से भगवान का भक्तिमय दिन प्रारंभ होता है प्रभात से करीबन 5 बजे से प्रभात फेरी, और सुबह से भगवान का नाम लिया जाता है जिससे दिन पूरा आनंदमय होता है। भक्ति भाव से ये प्रभात फेरी नगर में निकाली जाती है। ये परंपरा पुरानी चल रही थी, हमने कुछ समय से बंद कर दी थी, लेकिन इसे पुनः चालू किया है और इससे अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग अगर राम के नाम से स्टार्ट हुआ है तो ये दिन भर अपना काम सफल करेगा, भक्तिमय दिन निकालेगा। और कुछ भी नहीं है इसके सिवा, क्योंकि अगर प्रभु की कृपा बनी रहती है तो हर काम सफल होते ही है, क्योंकि जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, अगर ये अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। इसलिए सनातन धर्म को जागरूक करते हुए इस प्रभात फेरी को बढ़ावा दो और सब बोलो जय श्री राम।